नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रीथ टू के बारे में, मतलब कि जो अपना सीरीज़ आया है वेब सीरीज़, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जो हमारा ब्रीथ टू है उसका पार्ट सीज़न टू आ गया है। और इसमें मैं कह सकता हूँ कि जो सीज़न वन में अपने आर माधवन जी थे, अमित साध जी थे, जिनको आप अभी भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आई थिंक, ठीक है ना, जो सेकंड नंबर पर, तो आर माधवन जी को हटा के इसमें अभिषेक बच्चन जी को लाया गया है। हालांकि अभिषेक बच्चन जी ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, मैं उनको ज़्यादा ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन जो फर्स्ट सीजन में बात थी, जो मैंने देखा था, मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। हर पार्ट को देखने में मज़ा आ रहा था। सोच रहा था कि फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ तो सेकंड पार्ट देखना है, क्या होने वाला है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, लाइक दैट। इट वॉज मतलब बहुत ही अमेजिंग था वो शो, ठीक है, तो उसको देखने में बहुत मज़ा आता था। लेकिन जो ब्रीथ सीजन टू है, वो आप देखेंगे तो आप कहेंगे इट इज़ वेरी लेंथी, वेरी डल। मतलब इसको लिखने वाले ने क्या लिखा है, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया। हर चीज़ उल्टा सीधा, मतलब ऐसे ही लग रहा है मेरे को। देखिए, पहले आप कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे, पहले वाले पिक्चर में क्या था कॉन्सेप्ट, अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ बाप किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसमें वो फादर थे आर माधवन जी, वो मारते हैं लोगों को बिकॉज उनको ऑर्गन डोनर चाहिए थे। वो एक कॉन्सेप्ट था, वो ठीक ठाक लगा। इसमें सीजन में बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट रखा है, बहुत सा अजीब सा, मतलब दो भाइयों का कॉन्सेप्ट है, मैं कहूँगा दो जुड़वा भाइयों का, अभिषेक बच्चन का, ठीक है, अभिषेक बच्चन वो भी दो डबल रोल में, उसके ऊपर क्या बोलूँ यार, मतलब कॉन्सेप्ट भी अजीब सा डाल दिया। एक भाई थोड़ा सा सनकी सा है, क्या है पता नहीं, मतलब कॉन्सेप्चुअली एकदम क्या बोलूँ। अभी सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा तो आप कहेंगे कि बता दिया पूरा, लेकिन हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जिससे कि आपको लगेगा कि आपको देखना है क्या नहीं देखना है। आप देखिए भी सर, देखने के बाद ये जितने अगर जिसके पास भी अमेजन का सब्सक्रिप्शन है वो जाके देख सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए, क्योंकि कुछ में भी हो सकता है, किसी लोगों को अच्छा लगे, किसी लोगों को बुरा लगे, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इसके देखिए दो तीन चीज़ें मेरे को सबसे ज़्यादा बुरी लगी। पहली चीज़ इसकी, इसके जो एपिसोड्स हैं वो 45 मिनट्स के हैं और 12 एपिसोड, मतलब आपको लगभग 5 से 6 घंटा आपको स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। मूवी अपन जैसे भी देखते हैं, एक मूवी देखते हैं, दो मूवी देख लें, जैसा है, लेकिन इतना बोरिंग होगा ना। पहला शो देखेंगे आप, दूसरा शो देखेंगे आप, वही वही चीज़ स्टार्ट हो जाती है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये रखा गया है, उसमें तो ऑर्गन डोनर चाहिए था। यहाँ पर ये होता है कि आपने देख ही लिया होगा ट्रेलर में, उनकी बच्ची को किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है। और बच्ची को किडनैप कौन करता है, उनका जुड़वा भाई करता है, सीधी सी बात, ठीक है, उनका जुड़वा भाई करता है। वो जुड़वा भाई पागल सा है, अजीब सा, मतलब उसको उसमें पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट डाले हैं। इसके अंदर रावण से बचाना है अपने भाई को, ये करना है, वो करना है, तो वो अपने भाई को ही लोगों को मरवाने में लगा देता है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट। उनकी जो वाइफ है अजीब सी है, मतलब मेरे को तो देखिए उन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि वो जो वाइफ बनी है वो भी मतलब एकदम डल सी है, ठीक है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है शो। शो में इंटरेस्ट आता ही नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जैसे कि मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ, मैं भी मेरा रिव्यू अच्छा नहीं हूँ, मैं उस तरीके का रिव्यू नहीं कर पाऊँ जिसको आप पसंद करते हो, ठीक है। अगर आप पसंद नहीं करते होंगे तो आप मुझसे नहीं जुड़े रहेंगे, करेक्ट। सेम बात उसमें भी आती है, एक्टिंग जो होती है ना, एक्टिंग करने की कोशिश बहुत अच्छी करी है अभिषेक बच्चन जी ने, काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी, लेकिन उनको जब देखते हैं ना स्क्रीन पर तो ऐसा लगता नहीं है कि वो उनकी एक्टिंग को देखें और टॉलरेट करें। थोड़ा सा लगता है यार थोड़ा आगे बढ़ाओ, इसको स्किप करो इस शो, तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, ठीक है, तो वो चीज़ मेरे को बेकार लगी। हालांकि मैं आर माधवन जी का मतलब क्या एक्टिंग करी थी यार, आर माधवन जी का एक मतलब बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए भी वो कह देते हैं नहीं यार आपने पहली बार ये गिफ्ट दिया था, इस बार ये गिफ्ट दे रहा, मतलब ये बात भी बोल रहा था ना, तो बंदा ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी इसकी बात पूरी सुनो, क्या बोलने वाला है ये, उसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें। और मतलब अभी मतलब जो आर माधवन जी का एक्टिंग देख रहा था ना, वो मतलब
लड़की के पास जाते हैं छोटे से बच्चे का, मतलब बच्चे का रोल नहीं सॉरी स्टूडेंट बन के कि एक्टिंग कराएंगे, मतलब मैं थोड़ा सा पुराने वाले शो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वाले शो में तो हर बात पे अपने पिताजी से बात कर रहे होते हैं ना अभिषेक बच्चन जी, कि आपने ये कर दिया वो कर दिया मेरे को अलग कर दिया मेरे भाई से, ये पता नहीं क्या पागल बना था, एक तो लंगड़ा भी बना है जो दूसरा भाई है वो लंगड़ा जैसा दिखाते हैं उसको, थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब है शो के मामले में। मेरे को नहीं लगता कि इस तरह के शो से मतलब अभिषेक बच्चन जी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेरे को लगा कि अगर इस पे इस मूवी में अच्छी किसी अच्छे एक्टिंग को एक्टर को लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। और पहली बात तो कहानी का कॉन्सेप्ट बहुत ही गंदा है, ठीक है, पूरी मूवी बहुत ज़्यादा डार्क है, अंधेरा अंधेरा, देखिए जिस जो अंधेरा देख रहे हैं आप सेम अंधेरा आपको पूरी मूवी में दिखेगा, और आपको कॉन्सेप्ट जब लास्ट में जाके देखेंगे ना आप कहेंगे क्या यार ये बेवकूफ़ी वाली हरकत करी है, वो इतना बोर करा है ना लास्ट का जो, देखिए आपको सबको पता है जैसे कि उसमें आर महात्मा जी को मार दिया गया था, इसमें डुप्लीकेट कराया और इसमें एक को मार दिया, मतलब देखिए आपको देखना है देखिए आप तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड, देखिए हाँ यही नकाब पहन के, क्योंकि उसका भाई जो है ना वो अपनी इस तरीके से मतलब कह सकते हैं भांजी को ही किडनैप करता है, तो उसके लिए वो उसको पकड़ के रखता है और एक और स्टूडेंट को भी किडनैप करता है ताकि वो इसका ख्याल रखते हैं। बहुत ही अजीब है यार कॉन्सेप्ट के मामले में पिक्चर में, मतलब अजीब है। हाँ अमित शाह जी के बारे में कहूँगा, इनकी एक्टिंग जब ये आते हैं ना स्क्रीन, मैंने कहा ना एक्टिंग क्या होती है, एक्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप स्क्रीन पे आए ना तो आपको लगे कि आपको देखने का दिल कर रहा है, तो अमित शाह जी जब आते हैं तो उनको देखने का दिल करता है, ये बात सबसे बड़ी चीज़ है। और इससे ज़्यादा देखने का दिल मेरे को करता था आर माधवन जी को, जब मैंने पहला वाला सीजन देखा था उसमें क्या कॉन्सेप्ट बनाया था, तो वो कॉन्सेप्ट अलग था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भले ही कितना भी अच्छा यूज़ मतलब कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं है, तो ठीक ठाक मतलब अजीब सा है, मतलब आप भी कहेंगे क्या बना दिया यार इससे अच्छा तो पहले वाला सीज़न को छोड़ देते, फालतू में इसको बना के टाइम वेस्ट भी किया लोगों का अपना भी, और इट इज़ मतलब हॉरेबल एक्चुअली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच एनी मोर दिस काइंड ऑफ शोज राइट नाउ। लेकिन ठीक है जो जैसा भी आपको लगे आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही डल स्टोरी है, बहुत ही स्लो स्टोरी है और इट इज़ नॉट दैट टू वॉच, ठीक है। तो ठीक है जैसा भी आपको लगे आप देखिए इसको, डबल रोल है अभिषेक बच्चन जी का, एक बना है इनका भाई जो थोड़ा सा दिमाग से सटकेला है, वो अपने भाई को बचाने के लिए अपने भाई को मजबूत बनाने के लिए अपने भाई से ही मतलब क्या करवाता है मतलब मर्डर करवाता है, ठीक है। तो देखिए आप और फिर बताइए अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको मेरे मतलब मेरे वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए एटलीस्ट, जैसा भी आपको लगे। सो थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय।